कटनी जिले में नदी में नहाने गए नाबालिग बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि बड़वारा थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़ेहरा निवासी संकल्प विश्वकर्मा अपने 7 से 8 दोस्तों के साथ स्कूल छूटते ही कुठला नदी में नहाने चला गया था। इसी दौरान 12 वर्षीय संकल्प का पैर कपड़े धोते वक्त फिसल गया और वह गहरे पानी में जा डूबा। जब तक कोई कुछ देख या समझ पाता तब तक नाबालिग पानी के बहाव में डूब गया था। संकल्प के डूबने की सूचना तत्काल वहां मौजूद अन्य बच्चों ने ग्रामीणों और विश्वकर्मा परिवार को दिया, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई थी। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी संतोष देहारिया ने बताया कि बड़वारा क्षेत्र में नाबालिग बच्चों के डूबने की सूचना ग्रामीणों से मिलते ही स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ होमगार्ड के जवानों को सर्च ऑपरेशन के लिए लगाया गया था और इस ऑपरेशन के दौरान उसका शव करीब 1.5 किलोमीटर दूर मिला था, जिसे हमने बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए बड़वारा स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया है। मामले पर मर्ग कायम करते शव मृतक के परिवार को सौंप दिया जाएगा। देखिए, मड़ेरा जो नदी है वहाँ पर कुछ बच्चे जो है 5-6 बच्चे आपस में जो है नहाने गए थे, जिसमें से कुछ बच्चों से तैरते बनता था और कुछ बच्चों से नहीं बनता था। उसी दौरान जो है एक बालक नाबालिग था, वो अपना नहा रहा था वहाँ, उसके पैर फिसलने से वो नदी में गया और बारिश के कारण नदी में बहाव बहुत तेज था और जिसके कारण से वो बह गया था। कल रात भर और दिन में कल टीम जो है एसडीआरएफ की और थाने के जो भी बल था उनके द्वारा रेस्क्यू किया गया था, किंतु रात में बॉडी नहीं मिल पाई थी और इसके बाद पूरी टीम ने जो है सुबह तक रेस्क्यू अभियान किया और आज जो है सुबह लगभग जो जहाँ से वो बॉडी बही हुई थी वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जो है उसका शव मिला है।